फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल माय लिटिल फेरी एंड गार्डन ऑफ पेट्स में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे ये बैल्कनी गार्डन का ये फाइनल लुक है, जिसको हम मतलब ये आखिरी लुक है बोले तो, क्योंकि एक तो विंटर चल रहा है और वो कम्प्लीटली डॉर्मेंसी में है मेरे परमानेंट प्लांट्स, और दूसरा कि अभी हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब के बाद आपको ये मेरा गार्डन देखने को नहीं मिलेगा। मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पर मैं नया गार्डन बनाऊँगी, वहाँ पे नया स्केप जो भी होता है वो क्रिएट करूँगी। तो ये आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि हमने सामान काफ़ी हटा दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा रश लगेगा आपको, गंदा गंदा लगेगा, बट अभी क्या करें, हमको जाना ही है। हमको ये घर छोटा लग रहा है और नए घर के लिए हमारी तलाश जारी है, तो कुछ वक्त के लिए हम दूसरी जगह पे रेंट पे रह रहे हैं। और ये हमारा मिसिंग, और ये देखिए ये इस साइड की तस्वीर, हमारा जो एरिया है वो गांव में है और आजू बाजू बाड़ी है, लेकिन बीच में बिल्डिंग बनी है। तो हमको अभी कुछ नई जगह पे जाना है, नया घर लेना है और थोड़ा बड़ा वाला लेना है, और जो पूर्वाभिमुख हो, जहाँ पे पूरब की साइड से सूर्य की रोशनी सुबह की मिलती हो, इस टाइप का हमको घर लेना है, परचेज करना है। तो हमारा प्रयास इसके लिए जारी है, लेकिन ये आप हमारा गार्डन का आखिरी लुक देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद में हमको शिफ्ट करना है। तो बस यही मुझे ये आज अपलोड करना था, तो मैंने आज वीडियो बना दिया है। और डोरमेंट गए हुए प्लांट्स सब इस टाइप से सूख गए हैं, पत्तियां पीली पड़ गई है, काफ़ी मेरा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी धूप नहीं आता है, 1 घंटे का आता है शाम के टाइम पे, क्योंकि पश्चिम की ओर है हमारा जो बालकनी है, वो पश्चिम की ओर है, तो हमको अभी पूरब की ओर जो फेस होता है, सूर्य की जो उगते सूरज की जो रोशनी मिलती है, बस उसी टाइप से उसी हिसाब से हमको लेना है मकान, ताकि मैं अपना गार्डनिंग का शौक भी कंप्लीट कर सकूं, और कुछ ऐसी जगह पे जैसे कि मैं मेरा गार्डन बड़ा कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे लिए ये प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे वो मेरा जो ड्रीम हाउस है वो मिल जाए, और हम उसे परचेज कर लें और अच्छे से मैं गार्डनिंग कर सकूँ, और मुझे जो गार्डनिंग में मुझे जो सुकून मिलता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अपने गार्डन में ही मेरे भगवान जी को भी बिठा देती हूँ, और मैं वहीं पर ही उनकी सेवा भी करती हूँ। मैंने यहाँ पे भी बिठाया है, बट वो काफ़ी अंदर की साइड है, और मैं इतना कंजेस्टेड एरिया है कि मैं यहाँ पे उनकी पूजा भी नहीं कर सकती हूँ। तो बस फ्रेंड, यही शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आपसे जल्द ही विदा लेती हूँ, और आऊँगी मैं जहाँ पे भी अभी मैं स्टार्ट करूँगी वहाँ पे दूसरा वीडियो बनाऊँगी, अगर मैं बना पाई ऐसी स्पेस मिली तो, और नहीं तो डायरेक्ट मैं जब अपना नया घर परचेज ही कर लूँगी तो शिफ्ट होने के बाद में मैं बना दूँगी। तो बाय बाय फ्रेंड, और मेरे लिए आप प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल जाए।